नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद पुलिस का एक मानवीय चेहरा सामने आया है, जिसकी वजह से एक मां ने प्रसव के बाद अपने नवजात बेटे का नाम सिपाही रखा और कहा कि अपने बेटे को पुलिस बनाएंगे ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। मामला देवरिया जनपद के तरकुलवा थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला प्रसव पीड़ा के बीच रास्ते में तड़प रही थी। महिला अपने पति के साथ बाइक पर थी और वह दर्द से तड़प रही थी। वह बाइक से उतरकर सड़क पर बैठी। पति उसको लेकर परेशान था। किसी तरह वह अपने पत्नी को अस्पताल पहुंचाना चाहता था। तभी तरकुलवा थाना के थानेदार प्रदीप शर्मा की नजर उस महिला पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी में महिला को बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल गेट पर पहुंचते ही महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। थानेदार के इस मानवीय कार्य से महिला और बच्चे की जान बच गई। वहीं महिला पुलिस के इस कार्य को देखकर इतना प्रभावित हुई कि अपने बच्चे को पुलिस बनाने की ठान ली और उसका नाम सिपाही रख दिया। आइए हम प्रदीप शर्मा जी हैं, वो क्या कह रहे हैं और वो महिला क्या कह रही है, पहले इनकी बाइट सुनते हैं, फिर प्रदीप शर्मा जी से लाइव बातचीत भी करेंगे। आज हम तरकुलवा कस्बे में ही वाहन चेकिंग और पैदल गश्त के लिए निकले थे। करीब 4:15 बजे का टाइम था और देखा कि कस्बे में ही एक महिला और एक आदमी मोटरसाइकिल पे है और महिला से बैठा नहीं जा रहा था, गिर रही थी मोटरसाइकिल से। तो वहाँ नीचे उतर के मोटरसाइकिल से नीचे बैठ गई, चिल्ला रही थी, तो देखने में कुछ पता नहीं चल रहा था। हम जब पहुँचे तो पता चला कि प्रसव पीड़ा थी उसे और कोई आदमी उसके नज़दीक नहीं आ रहा था। तो जो उसका हस्बैंड था उसको भी पता नहीं चल रहा था कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, कहाँ लेके जाना। तुरंत हम उसको अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में बिठाया, लेटाया और जो महिला कॉन्स्टेबल थी उसकी मदद के लिए बिठा के तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। आते ही जैसे ही गाड़ी से उतार रहे थे और हॉस्पिटल गेट पे ही डिलीवरी हो गई और उसका लड़का हुआ। बहुत खुशी हुई उसका लड़का हुआ, तो वो अपने लड़के को कह रही मैं भी पुलिस में सिपाही बनाऊंगी ताकि मेरा लड़का भी बड़ा होके और लोगों की मदद कर सके। आपकी मदद से महिला ऐसा अनुभव हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पुलिस का काम है मदद करना लोगों की और पुलिस हरदम मदद करती है और आज भी मदद करी है, आगे भी करते हैं। इस बच्चे को आप क्या बनाएंगे? पुलिस बनाएंगे। पुलिस बनाएंगे? क्यों पुलिस बनाएंगे आप? आदमी की सहायता करने के लिए। आज आपकी सहायता किसने की? पुलिस ने। कैसे सहायता की? आ रहे थे, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, उसलिए सहायता की हमारे। कौन लेकर आया आपको यहाँ पर? पुलिस ने। कौन, कहाँ की पुलिस थी? तरकुलवा के। कहाँ ले आया आपको उन्होंने? हॉस्पिटल तक ले। तो आपने ये क्यों सोचा कि इसको पुलिस बनाना है? वो हमारा मदद किए तो हम हमारा बेटा दूसरे को मदद करेंगे। मतलब ये बेटा बड़ा होगा पुलिस बनकर दूसरों को मदद करेगा? हाँ। क्या नाम क्या रखेंगे? पुलिस सिपाही। सिपाही नाम रखेंगे। आपका नाम क्या है? मीरा देवी। मीरा देवी। तो अभी आपने दोनों को सुना, एक पीड़िता थी और दूसरे उसके मददकर्ता। तो उसके मददकर्ता के रूप में पुलिस सामने आई। जैसा कि पुलिस के बारे में यह कहा जाता है, नेगेटिव बातें हमेशा दिमाग में भरी रहती हैं कि वो किसी की मदद नहीं करते, या फिर तमाम ऐसी बातें होती हैं कि लोग पुलिस से भय भी खाते हैं। आज देवरिया जिले में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है और उस मानवीय चेहरा जब जो मानवीय चेहरा सामने आया है पुलिस का, उससे एक माँ कितनी प्रभावित हुई है, आप खुद उसको देखा और सुना भी। आज वही मददकर्ता पुलिस थानाध्यक्ष तरकुलवा, जो देवरिया जिले में पड़ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, प्रदीप शर्मा जी। थैंक यू सर। जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है आपकी आवाज। जी प्रदीप शर्मा जी, वैसे तो देखा जाता है कि लोग
पुलिस को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं, लेकिन यह काम करके एक माँ को आपने इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बच्चे को न सिर्फ पुलिस बनाने की ठानी, बशर्ते कि उसने अपने बच्चे का नाम सिपाही भी रखा है। जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। पुलिस विभाग से हर आम आदमी दूर रहता है जी। पुलिस के नाम से खौफ खाते हैं आज की तारीख जी। और एक महिला आदमी नहीं, एक महिला अपने बच्चे को सोचे कि मैं जी 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 नहीं, लोग खौफ खाते हैं कि पुलिस है, क्योंकि उनका चेहरा ही ऐसा बन चुका है, खाकी है, खाकी को लोग डरते हैं आज की तारीख। पुराना ही चला आ रहा है, हर आदमी पुलिस को देख के भयभीत रहता है कि पता नहीं क्या है, जबकि हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी भावना है, संवेदना है। पर आम आदमी नहीं ये समझता, जो पुलिस वाला बना है वो भी एक आम आदमी ही बना है, उन्हीं में से निकल के हम लोग पुलिस वाले बने जी जी, जी। बशर्ते होना ये चाहिए था कि सिर्फ अपराधी खौफ खाए, आम आदमी आप जो की नजर जो है, आम आदमी की नजर में आप का एक जो खाकी वर्दी है उसका एक सकारात्मक रूप और पहलू जाना चाहिए जो आपके इस काम से गया है, और ऐसा होना चाहिए। तो क्या मतलब आपके मन में क्या आया, कैसे आप वहां पहुंचे, हम ये पूरी कहानी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर जब वो पीड़ित थी, सड़क के किनारे थी, कैसे आप वहां पहुंचे, क्या मन में आया कि आपको मदद करनी चाहिए जी। सर, हर रोज रूटीन वर्क रहता है हमारा, वाहन चेकिंग, पैदल गश्त, उसी भी रूटीन में हम लोग निकले थे पैदल गश्त और वाहन चेकिंग में, और देखा क्या है कि तरकुलुआ में साप्ताहिक बाजार लगता है 2 दिन, मंगल और शनिचर। उस दिन आस पड़ोस के सब गांव वाले, देहात वाले सब वहीं आके खरीदारी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो उस कस्बे जहाँ भीड़ थी उससे बाहर निकल के मेन रोड पे जब हम पहुँचे तो वहाँ देखा बहुत भीड़ लगी, एक जगह जुटी है, और एक मोटरसाइकिल पे, बाइक पे एक आदमी है और महिला साइड में बैठी हुई है। तो वहाँ तुरंत गाड़ी से उतर के हमने देखा, पूछा, तो पता चला कि प्रसव पीड़ा है और बाइक पे वो बैठ नहीं पा रही। तो तुरंत हमने, मैं अपने साथ जो कॉन्स्टेबल थे उनको गाड़ी से उतार दिया, उस महिला को उठवा के जो पिछली वाली सीट थी, ड्राइविंग सीट के पिछली वाली, उस पे लेटा दिया, और महिला कांस्टेबल जो साथ चलती है सहायता के लिए उसको बिठा दिया, और सिपाहियों को कहा कि तुरंत पीछे आइए, और लेके तुरंत हम CSC गए। भीड़ बहुत ज्यादा थी, हुटर पे जाते हुए गए कि रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी, दर्द से करा रही थी वो। जैसे ही हम हॉस्पिटल में पहुंचे, लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है वहां से, पर वो 1.5 किलोमीटर बहुत भारी हो जाता है जब साप्ताहिक बाजार रहे और तंग गलियां रहे, क्योंकि हमारा थाना ऐसी जगह पे है, अंदर है, और जो हॉस्पिटल है वो बहुत तंग गलियों में निकल के जाना पड़ता है, एक गाड़ी निकल सकती है और कुछ उसके आसपास साथ नहीं निकलेगा। जैसे हॉस्पिटल पहुंचे, गेट से अंदर गाड़ी ली है और गाड़ी से उतरे हैं हम लोग, और महिला को नीचे उतारा है गाड़ी से, बस उससे चला नहीं गया, वो वहीं लेट गई हॉस्पिटल गेट के सामने। तुरंत स्टाफ, हॉस्पिटल का स्टाफ बाहर आ गया, इससे पहले कि कुछ वो लोग भी सोचते, तो वहीं डिलीवरी हो गई महिला के लड़का को जी। यह काम जो यही लगा कि हमें कि बहुत खुशी चीज की मिलती है हमें जी जी। क्या चीज, आवाज कट रही है आपकी जी जी, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे जी। मैं ये कह रहा था कि इसलिए हमें ये लगा कि तब काम करने पे खुशी मिलती है आदमी को, कि किसी के जैसे हम लोग हैं, हम काम करने से किसी की जिंदगी बच जाए। जब एक महिला आदमी बर्थ एक बार लेता है, जन्म एक बार लेता है, और महिला अपनी जिंदगी में एक बार तो बर्थ लेती है, उसके बाद जितनी बार प्रसव पीड़ा झेलती है और बर्थ देती है अपने बच्चे को, तो दोबारा जन्म लेती है, वो 2 बार
समझिए कि दो या तीन बार, जितनी बार बच्चा होगा या प्रसव पीड़ा रहेगी तो उतनी बार वो झेलने पड़ती है उसको। वो कल अगर मुझे लग रहा है कि आई थिंक अगर हम 5 मिनट लेट होते या ना जाते तो पता नहीं क्या होता। एक बाइक पे एक महिला बैठ के जा रही है, प्रसव पीड़ा से परेशान है और भीड़ थी, और दो मानवीय जिंदगी बची है उसमें जी। और सकुशल इस काम के लिए, बच्चा इस काम के लिए आपका सर तंदुरुस्त रहा। जितनी बार शुक्रिया कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन ऐसा काम किया आपने। और एक पुलिस महकमे में अपने व्यस्ततम, आप अपनी चूंकि ड्यूटी कर रहे थे, और यह भी हो सकता था कि आप इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने मानवीयता को बरकरार रखते हुए एक प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को अस्पताल तक पहुंचाया। यह वास्तव में ये मानवीयता की मिसाल है एक पुलिस के लिए, और उन पुलिस वालों के लिए भी एक मिसाल है जो लोगों को बस लोगों में भय पैदा करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में भय पैदा तो सिर्फ अपराधियों में होना चाहिए, आम जनता को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे बीच के जो लोग हैं वही जाकर के पुलिस होते हैं, वही खाकी पहनते हैं रक्षा के लिए। वास्तव में आपने जो काम किया है यह सराहनीय ही नहीं, बेहद सराहनीय है, और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अन्य पुलिस वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अन्य पुलिस वालों के लिए यही संदेश देना चाहता हूं। संदेश क्या देना, हर आदमी, मैं तो ये मैं देखा होता है देवरिया में हूं तो देखता हूं मेरे साथ वाले, मेरे साथ के जो सब इंस्पेक्टर्स हैं या सिपाही भी हैं, हम लोग मदद ये नहीं सोचा कि मैं मदद किया, बहुत लोग मदद करते हैं। हर रोज रूटीन वर्क में कुछ ना कुछ होता है, कोई एज आदमी आ जाता है थाने में, उसके घर वाले परेशानी, बहू परेशान कर रही है, हम मदद करते हैं। पर ये है कि जैसे ये वाला वर्क कुछ हाईलाइट हो गया तो इसलिए लग रहा है कि हम पुलिस ऐसा काम नहीं करती और ये पहला वर्क है। पर मैं ये कहता हूँ कि हम कभी ये सोचते नहीं कि हाईलाइट हो, हम काम करते हैं जी। नहीं ऐसा नहीं, पुलिस इतना बिजी रहती है कि उसको टाइम ही नहीं मिल पाता, उसी टाइम में से कुछ टाइम निकालना पड़ता है ये चीजें के लिए। हमें अपना वर्क देखते हुए, मानवीय संवेदना रखते हुए, कुछ ऐसा चीजें होती हैं जो वर्क से भी ऊपर हो जाती है। और हम भी एक इंसान है, हमारी भी फैमिली है, आज हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी फैमिली कहीं और रह रही है, मेरी फैमिली यहाँ नहीं है, मेरी फैमिली पंजाब में है, पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लुधियाना का रहने वाला हूँ और लगभग अपने घर से 1400 किलोमीटर दूर हूँ। यहाँ स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए तो यहाँ है, और अगर बाय चांस कभी मैं आंखें मूंद लूं ऐसी चीजों से तो लगता है कि कोई और भी आंखें लेगा, कुछ नहीं होने वाला। इंसान हर आदमी का होता है, कोई फायदा नहीं उन चीजों का। मैं सबको ये कह रहा हूँ, अपने विभाग के सब कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कि अपने ड्यूटी में कुछ ध्यान अपने आसपास होने वाली घटनाओं, छोटी छोटी घटनाओं को देना चाहिए जहां हमारी जरूरत से कुछ उनका फायदा हो सके जी। किसी भी तरह का फायदा हो सके जिससे हमारा जो लोगों के प्रति नजरिया गलत हो चुका है कि पुलिस सही नहीं रहती, वो नजरिया और हो सके, यही कोशिश करती रहनी चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए जी। अगर इस तरह के काम होते रहे पुलिस के द्वारा थोड़े थोड़े ही अंतराल पे, तो वास्तव में लोगों का नजरिया पुलिस के प्रति जरूर बदलेगा जी। प्रदीप शर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि पुलिस के रूप में लोगों में एक खौफ रहता है कि ये मेरा भला नहीं कर सकते, ये नजरिया बदलने की जरूरत है। पुलिस वाला भी हमारे बीच का ही है, उनके अंदर भी मानव संवेदनाएं हैं, उनका भी परिवार होता है। जैसा कि अभी अभी हमारे साथ जो थानाध्यक्ष तरकुलवा के जुड़े हुए थे देवरिया से, वो प्रदीप शर्मा जी, उन्होंने भी ये बातें कहीं और ये बताई। वास्तव में पुलिस से खौफ खाने की जरूरत नहीं है, पुलिस
से अपराधियों को खा उखाने की जरूरत है, न कि आम जनता को। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।